कांग्रेसी नेता संतोष दुबे की हत्या करने वाले दो हत्यारों को सेशन कोर्ट में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। हत्याकांड के तीसरे आरोपी की प्रकरण की सुनवाई के दौरान ही हत्या हो चुकी, जबकि चौथे के खिलाफ अभियोजन आरोप सिद्ध नहीं कर सका। हत्यारों ने एरोड्रोम क्षेत्र में एक प्लॉट को लेकर दुबे को गोलियों से छन्नी कर दिया था। उनकी मौके पर ही मौत हो गई। वारदात 28 मई 2019 को हुई थी। कांग्रेसी नेता दुबे रोजाना की तरह सुबह करीब 10 बजे रणजीत हनुमान मंदिर के पास तत्कालीन मनी सेंटर के बेसमेंट स्थित बॉडी टेम्पल एंड हेल्थ सेंटर पहुँचे थे। इस दौरान आरोपित पिंटू उर्फ नीरज ठाकुर पिता अमर सिंह निवासी दिलीप नगर, अल्पेश चौहान पिता रमेश निवासी कमला नेहरू कॉलोनी साथियों के साथ वहां पहुंचे और दुबे पर गोलियां दाग दी। लहूलुहान दुबे को तत्काल निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया था। पुलिस ने हत्या के आरोप में पिंटू ठाकुर, अल्पेश चौहान, मनोहर वर्मा और जितेंद्र उर्फ जीतू बाबा पिता मथुरा लाल निवासी छतरीपुरा को आरोपित बनाया था। प्रकरण की सुनवाई के दौरान जितेंद्र उर्फ जीतू की मौत हो गई थी। अभियोजन की तरफ से विशेष लोक अभियोजन सलीम खान ने पैरवी की। बुधवार को सेशन जज शहाबुद्दीन हाशमी ने आरोपित पिंटू ठाकुर और अल्पेश चौहान को आजीवन कारावास की सजा सुनाई, साथ ही ₹2,000 अर्थ दंड भी लगाया। एक आरोपित मनोहर वर्मा के खिलाफ भी साजिश में शामिल होने का आरोप था, लेकिन वह सिद्ध नहीं हो सका। सर, कोर्ट ने इनको दोषी पाया है। विचारण के दौरान एक आरोपी स्वर्गवास हो गया, बाकी आरोपियों में दो आरोपियों को उन्होंने सजा दी है, आजीवन कारावास सजा दी है 302 में, और 25-27 आर्म्स एक्ट में उनको 3-3 साल की सजा दी है, और उनको अर्थदंड भी किया है, और मृतक परिवार को सहायता प्रदान करने के लिए विधिक सेवा को भी लिखा है। इसमें कुल 4 आरोपी थे, जैसा मैंने आपको बताया कि विचारण के दौरान एक आरोपी मृत्यु हो गए और बाकी आरोपियों को सजा दी, जिनमें पिंटू ठाकुर और अल्पेश चौहान, इनको सजा दी है, आजीवन कारावास सजा दी है और अर्थदंड भी किया है, और धारा 27 में भी इनको आर्म्स एक्ट के तहत 3-3 साल की सजा दी है और अर्थदंड दिया है, अर्थदंड इनको दिया गया है। सर, इनको अर्थदंड जो लगाया है आजीवन कारावास 302 में दिया है और ₹2,000 अर्थदंड दिया है। 27 आर्म्स एक्ट में इनको ₹500 अर्थदंड दिया है। ये अर्थदंड अगर जमा नहीं करेंगे तो इनको अतिरिक्त कारावास की सजा दी गई है, और मनोहर वर्मा को उन्होंने संदेह का लाभ देके बरी किया है। अब्दुल सलीम एडवोकेट।